सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलीशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजलि अग्रवाल, आप देख रहे हैं एआर न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। सायरा थाने के कांस्टेबल मारपीट का लगा आरोप, ठेके से शराब लाने को लेकर हुआ मामला। युवक को भाजपा का झंडा लगाना पड़ा भारी, असामाजिक तत्वों ने युवक को पीटा, हुई मौत, बीजेपी ने किया प्रदर्शन। दिव्यांग तपती जमीन पर हाथों के बल घसीटते पहुंचे कार्यक्रम स्थल, मूलभूत सुविधाएं नहीं होने पर गर्मा माहौल। आयुर्वेदिक अस्पताल के रसायनशाला में अचानक लगी आग, एक माले से कूदकर कार्मिकों ने बचाई जान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल द्वारा मारपीट के आरोप की। गोगंदा सायरा थाना क्षेत्र के ब्राह्मणों का कलवाना निवासी अंकित कुमार के साथ सायरा थाना के कांस्टेबल द्वारा मारपीट करने के आरोप लगाए। दरअसल 3 अप्रैल को करीब रात 9 बजे अंकित कुमार सुख सागर होटल की तरफ अपनी बाइक से आ रहा था, तभी अपने कुछ दोस्तों को देख होटल के वहां पर एक कार के पास बाइक रोकी। कार में सायरा थाना के कांस्टेबल मुकेश व एक इंद्रपाल नामक शिक्षक बैठकर शराब पी रहे थे और अंकित को कांस्टेबल मुकेश ने ठेके से शराब लाने को कहा। अंकित के मना करने पर शिक्षक ने कार से उतरकर अंकित को थप्पड़ मार दिया, जिससे उनके बीच बहस हो गई और रात अंकित के दोस्तों ने उसे समझा कर घर भेजा। रात करीब 10 बजे सायरा थाना के कांस्टेबल बाबूलाल का फ़ोन आया और अगले दिन प्रातः 10 बजे सायरा थाना बुलाया, लेकिन रात करीब 1:30 बजे सायरा थाना से गाड़ी आई और उसमें कांस्टेबल मुकेश कुमार, धनराज, पृथ्वीराज व राहुल अंकित के घर से अंकित को थाने लेकर जाने के लिए कहा और गाड़ी में ही युवक को मारा गया, जिसमें उसके हाथ व कमर पर गंभीर चोट आई, जिससे अंकित का हाथ फ्रैक्चर हो गया और उसके परिवार के साथ भी कांस्टेबल ने गाली गलौज की और थाने में ले जाकर भी अंकित के साथ मारपीट की और कांस्टेबल ने कहा कि आईजी या कमिश्नर के पास गया तो झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, जिसे लेकर आज अंकित ने जिला न्यायालय में एसपी को ज्ञापन सौंप कर न्याय की मांग की है। कार के पास में बाइक रोकी और मेरे कोई मित्र थे वहाँ पे, 3 जने, दिनेश कुमार, मोहनलाल और भंवर सिंह, तो उन लोगों को देखे मैंने बाइक रोकी वहाँ पे। कार के पास में बाइक रोकी तो कार में मुकेश कुमार कांस्टेबल है सायरा थाना में और एक शिक्षक है, वो दोनों कार में बैठे हुए थे और शराब पी रहे थे। तो मेरे को मुकेश कुमार ने बुलाया, इधर आ अंकित, इधर आ। फिर मैं वहाँ पर गया था तो मेरे को बोला उन्होंने कि सामने ठेका है तो वहाँ से 5 बियर लेके आ, तो मैंने मना बोल दिया मैं बियर लाके नहीं दूंगा। तो उन्होंने, वो शिक्षक जो बैठा था कार में, इंद्रपाल पुड़ी बोलते उसको, उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी की और उतर के कार में से मेरे को थप्पड़ मार दी। वहाँ पे देखते मेरे दोस्त वो भंवर सिंह जी, दिनेश कुमार और मोहन भाई प्रजापत, वो आए मेरे पास में और हमारे को छोड़ो आया वहाँ से, मतलब हम फ्री हो गए, हमारे को सब बात पट गई वहाँ से। फिर मैं घर पे गया तो 10 बजे मेरे को सायरा थाने से बाबूलाल जी करके कांस्टेबल है, उनका मेरे को कॉल आया, बोला कहाँ है तू? मैंने बोला सर मैं घर पे हूँ। कौन बोल रहा है? मैं बोला सर अंकित बोल रहा हूँ, मैं, मेरा नाम निर्मल कुमार उर्फ अंकित है। मैंने बोला मैं वो बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि कहाँ है? मैंने बोला सर मैं घर पे ही हूँ। फिर उन्होंने बोला कि सुबह सायरा थाने में आना, सुख सागर पे तूने क्या किया यूँ? मैंने बोला कुछ नहीं, छोटी मोटी भेजामारी हुई हमारे ना, उन्होंने मेरे को एक थप्पड़ मारी, मैंने बियर नहीं लाई उन्होंने को, तो उन्होंने मेरे को मारी। भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा का झंडा घर पर लगाना कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया और गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने युवक की पिटाई कर घायल कर दिया, जिसके बाद उदयपुर एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद शहर भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चरी पहुंचे और हंगामा कर दिया। जानकारी के अनुसार छोटी सादरी क्षेत्र के केसुंदा गांव में रहने वाला विकास प्रजापति मंदिर जा रहा था, इस दौरान रास्ते में अरविंद आंजना और जसपाल आंजना ने उसे रोका और मारपीट करने लगे। इसके बाद दोनों भाई विकास को बाइक पर बिठाकर अमर सिंह के पास ले गए, जहां पर अरविंद, जसपाल, शिवा भील और एक अन्य व्यक्ति ने विकास को लठ, सरिये और पत्थरों से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया और जेब में रखे 2500 रुपये भी छीन लिए। घटना की जानकारी केसुंदा निवासी घनश्याम आंजना ने विकास प्रजापत के पिता को दी, जिस पर पिता ने थाने में सूचित किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद एडिशनल एसपी
चिरंजी लाल मीणा, सीआई कपिल पाटीदार भी मौके पर पहुंचे और गंभीर घायल विकास प्रजापति को छोटी सादरी सामुदायिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया। साथ ही पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन उपचार के दौरान विकास की मौत हो गई। इसके बाद गुरुवार को एमबी चिकित्सालय उदयपुर की मोर्चरी के बाहर भाजपा के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और नारेबाजी करने लगे। मृतक विकास प्रजापति का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सौंपा गया। मेरा नाम श्यामलाल प्रजापत है, गांव केसुंदा। मेरा विकास प्रजापति वो माताजी के दर्शन करने गया था तो बीजेपी का झंडा लगा रखा था गाड़ी पर, जो दो जने आए तो वो उसको उठा के ले गए, मारपीट की उसके साथ, हाथ पांव तोड़ दिए। वो जसपाल आजना और अरविंद आजना, एक भील समाज का लड़का भी है, चार जने ने मिल के मारा उसको। रिपोर्ट साजड़ी थाने में दर्ज करा रखी, गिरफ्तारी की मालूम नहीं, मैं तो रात भर यहाँ हूँ। वो तो वही इनके घर के वहीं आ गया था, वो जो मारा ना तो मोटरसाइकिल चला के वहीं आया, फिर बाद में बेहोश हुआ। सलिये से और ये से लाते गुस्ते से मारा, डंडे से गर्म पानी छिड़का उसके ऊपर। विकास आजना मंदिर पे दर्शन करने के लिए गया था तो उसने कल भाजपा का स्थापना दिवस था तो उसने झंडा लगाया था अपने घर पे। तो विक्रम आजना के कुछ लड़के हैं, जैसे अरविंद आजना, जसपाल आजना, उसके रिश्ते में भतीजे लगते हैं वो। उन्होंने उसको बोला विकास आजना को कि ये झंडा उतार दे, तो उसने बोला मैं झंडा नहीं उतारूंगा, मैं बंटी भाई के साथ हूँ, झंडा नहीं उतारूंगा मैं, कि झंडा नहीं उतारेगा तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। फिर उसको उठा के ले गए वहाँ से, वो माता जी दर्शन करने गया था तो वहाँ से उठा के वहाँ पर भी पिटा उसको। फिर एक नोरे में ले जाके उसके वहाँ भी पिटा, बहुत बेरहमी से पिटा उसको, गर्म पानी छाँटा उसके ऊपर, लट से मारा, सलिए से मारा, सिर फूट गया, एक हाथ बिल्कुल टूट गया उसकी उंगलियाँ सब। फिर वो वहाँ से निकल के घर आया मेरे, वहाँ से उसको छोड़ दिया उन्होंने। वो घर पे आया, घर पे जैसे आया मेरे पास आया, मैंने हाथ लगाया, मैंने पूछा कि तेरे को किस किस ने मारा, कि मेरे को जसपाल आजना, अरविंद आजना दोनों ने मारा और एक बिल का लड़का था और एक अज्ञात था कौन। राज्य आयुक्त विशेष योगदान के गुरुवार को उदयपुर के जिला परिषद सभागार में दिव्यांगों की सुनवाई का कार्यक्रम हुआ। दिव्यांगों के लिए आयोजित कार्यक्रम में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होने से भी माहौल गर्मा गया। जानकारी के अनुसार राज्य आयुक्त विशेष आयोजन राज्य मंत्री स्तर उमाशंकर शर्मा ने दोपहर 1 बजे दिव्यांग जनों की जन सुनवाई की। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दिव्यांग अव्यवस्थाओं से परेशान नजर आए। व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं होने से वे तपती धूप में झुलसती जमीन पर हाथों के बल घसीटते हुए सुनवाई स्थल पहुंचे, इससे उनके हाथों में छाले पड़ गए। मावली के एक दिव्यांग ने आक्रोश जताते हुए कहा कि दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर, रैंप आदि की व्यवस्थाएं नहीं हैं। तत्काल जिला कलेक्टर आनंदी कार्यकाल में उन्हें स्वयं के खर्च पर व्हील चेयर भेंट की थी, जो कहां गई पता नहीं। उन्होंने आक्रोशित होते हुए कहा कि यदि व्यवस्था नहीं सुधारी गई वह सभी दिव्यांगनों को लेकर अधिकारियों के घर के बाहर बैठ जाएंगे। बाद में अधिकारियों से बातचीत के बाद कार्यक्रम सुचारू हो सका। राज्य आयुक्त ने दिव्यांगों को असुविधा न हो इसके लिए स्वयं सीट से उठकर दिव्यांगों से मिले। जब हमें को या मेरे इसी असुविधा के लिए मैंने, जब आनंदी जी कलेक्टर साहब थे, मैंने खुद ने एक व्हीलचेयर भेंट की वहां पे, कि यहाँ हमारे विकलांगों की सुविधा के लिए मैंने खुद ने पर्सनली वो व्हीलचेयर कहा है, ये कलेक्टरी परिसर ही है। अच्छा वो तो नहीं है, लेकिन प्रोग्राम हो रहा है आज यहाँ पे 200-500 विकलांग आने वाले, उनके लिए तो होना चाहिए ना। मैं वहां घसीटता हुआ ऐसी धूप में आया हूं, मेरे हाथ के छाले पड़ गए, कोई सुनने वाला है प्रशासन? नाम तो बड़े बड़े होकर फर में आ रही है, सस्ता ना आ रही है, नारायण सेवा सस्ता ना आ रहा है, वो सस्ता ना रहा है, फला संगठन आ रहा है, वो आ रहा है, सुविधा कहां गई? हमें विकलांगों के लिए सुविधा चाहिए, चाहे कोई कैबिनेट मंत्री हो, चाहे कोई विकलांगों का समाज सेवक हो, चाहे कोई भी संस्थान हो, विकलांगों की सुविधा हर जगह करे। अगर नहीं किया तो आज के बाद ये कमलेश कुमार उनके द्वार पर जाके खड़ा हो जाएगा सारे विकलांगों को लेके, वो सुविधा नहीं होगी तब तक हिलेगा नहीं। उदयपुर शहर में सूरजपुर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल के रसायनशाला में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। उस समय वहां कार्यरत कार्मिकों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। बताया कि कुछ कार्मिक एक मोहल्ले के भवन से छलांग लगाकर नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर नगर निगम के दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत के 2 गांव में इन दिनों सीमा विवाद को लेकर आमने सामने है। आलम यह है कि एक गांव के रसूखदार में दूसरे गांव के तालाब और पेयजल के कुवेत को ही अपने गांव के दायरे में लेने के लिए वहां मलबे की दीवार बनाना शुरू कर दिया है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने
जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। आक्रोशित नराणा के ग्रामीण जिला कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर नीलाब सक्सेना को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। नराणा के नरेंद्र सिंह, चुन्नीलाल, प्रभुलाल, मांगीलाल, मोहनलाल, प्रेम सिंह, बंशी रेगर, भैरू सिंह, किशन गुर्जर सहित दर्जनों ग्रामीण जिला कलेक्टर पहुंचे। कलेक्टर को ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में चारागाह व तालाब पेटे में महासिंह जी का खेड़ा के कतिपय लोगों के साथ माइंस संचालकों द्वारा अवैध रूप से अपिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है। तालाब पेटे में अपिष्ट का निस्तारण होने से तालाब के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। साथ ही इसी तालाब पेटे में कुआं है जिससे पूरे गांव में जलापूर्ति हो रही है। अवैध डंपिंग को लेकर नराणा व महासी जी का खेड़ा के ग्रामीणों ने आपसी विवाद बढ़ता जा रहा है और जल्द ही प्रशासन द्वारा उचित कदम नहीं उठाया गया तो अशांति के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। ग्रामीणों की समस्या व शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान ओम प्रकाश, मदन सेन, राजू साहू, लक्ष्मण लाल, कैलाश खेत गुर्जर, भैरू सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। महासिंह जी का खेड़ा वाले हमारे नराणा ग्राम पंचायत के अंदर है, उन्होंने हमारे जो गोचर भूमि है उसके ऊपर डंपिंग यार्ड के पत्थर डाल के मतलब सीमा विवाद खड़ा किया है उन्होंने। इसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। तो वो लोग कब्जा कर रहे हैं और पानी हमारा कुआ है उनके अंदर उसके मतलब ले रहे हैं और हमारी जो हमारी सीमा है उसके अंदर ये लोग डंपिंग यार्ड के वेस्ट पत्थर डाल के मतलब वो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। जो सीमा है मासी जी खेड़ा और नराणा के बीच भी जो ये अपने विवादित रूप से ये लोग बीच में चार दीवारी करवा रहे हैं और इससे गायों के चरने की और पानी के पीने की समस्या है और जो हमारा अंदर पुश्तैनी कुआं बना हुआ है गांव का, कई वर्षों से पेयजल के संकट के समय भी हम लोग वहाँ पे पानी पीते थे, पूरा गांव पानी पीता था, उसको भी इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है और अब पशु इधर उधर आने में हमारे को समस्या होगी। अगर ये पूरे 3 किलोमीटर लंबी लाइन बना रहे शमशान घाट से लेके हमारे एक नीला राकड़ का पूरा तालाब है उसको पूरे को अपने कब्जे में ले रहे हैं और हम नहीं चाहते कि भाई ये शांति व्यवस्था बिगड़े। झालावाड़ जिले के बोई मोहल्ला इलाके के वांछितों ने आज SDM कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और इलाके में स्थित शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। इलाके के लोगों का कहना है कि शराब की दुकान के चलते आए दिन शराबी उत्पात मचाकर लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे में उन लोगों का जीना दुर्भर हो चुका है और अब इस शराब की दुकान को तुरंत हटाने की कार्रवाई की जाए। गंगधार कस्बे में लोगों का कहना है कि भोई मोहल्ले इलाके में एक शराब की दुकान स्थित है, उसके पास ही एक शिव मंदिर और आंगनबाड़ी केंद्र भी है तो साथ ही नज़दीक ही बोरा समाज और मुस्लिम समाज की मस्जिद भी स्थित है, लेकिन आए दिन शराब की दुकान पर आने वाले शराबी इलाके में उत्पात मचाते रहते हैं। वहीं पास में नदी पर जाने वाली महिलाओं से भी आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती है, ऐसे में अब इलाके के लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम SDM को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जल्द से जल्द क्षेत्र की शराब की दुकान को हटाया जाए अन्यथा ग्रामीण उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हमारे गंगधार में एक शराब की दुकान है जहीं पास में 20 फीट दूरी पे एक आंगनवाड़ी भी है जहाँ सभी समाज के बच्चे भी पढ़ने आते हैं और थोड़ी दूरी पर शिव पार्वती का मंदिर भी है और वहीं पर गांव वाले दारू पीकर अभद्रता से बात करते हैं और आज ये नौबत आ गई कि उन खाली क्वार्टरों को लेकर बच्चे शराब पीने तक का प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया और इनसे यही मांग करते हैं हम कि उसको जल्द से जल्द गंगधार से हटाया जाए। तो क्या आश्वासन दिया साहब ने? SDM साहब ने भी बताया है कि बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लुंगाड़ा बैठे रहते हैं, कलाली बंद होने के बाद भी बैठे रहते हैं, हम परेशान हैं। हमारा तो एक दीवार है क्या, हमारे घर में जवान जवान बच्चे हैं, बहू बेटे सभी आती है, मोहल्ले में और भी रहती है बेटी और बहू। गंगधार का भोई मोहल्ला 5 नंबर वार्ड पीछे कलाली, ये आंगनवाड़ी आ गई, मंदिर आ गया, चलता रास्ता वही है, पीने बाद गाली गलौज करते हैं, पीपुआ को वही पौवा फेंक दे। झालावाड़ जिले के बकानी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त किया गया एक लोडिंग ऑटो भी जब्त कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए बकाना थाना अधिकारी मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि झालावाड़ SP मोनिका सेन के निर्देशन पर मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के लिए जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बकानी झालावाड़ मार्ग पर देवनगर तिराहा गुरुकुल स्कूल के सामने नाकाबंदी की जा रही थी, उसी दौरान झालावाड़ की ओर से आ रहे एक महिंद्रा मैक्स लोडिंग ऑटो को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली गई, जिसमें एक थैली में छुपाकर रखा 20 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ।
जिसे पुलिस ने जब्त कर लोडिंग ऑटो चालक व सह चालक तस्कर अर्जुन राम निवासी जिला जोधपुर और रमेश चंद निवासी बकानी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त किया गया मिनी लोडिंग ऑटो को भी जब्त कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है यह कि मादक पदार्थ कहां से लाए थे और कहां किसको देने जा रहे थे। राजस्थान के वीर सपूत और झालावाड़ जिले के अहम शहीद पैरो कमांडो मुकेट बिहारी मीणा की प्रतिमा उनके पृथक गाँव लड़ानिया में स्थापित की जाएगी। आज शहीद की प्रतिमा झालावाड़ पहुंची। ये प्रतिमा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने प्रतिमा को अपने दिल्ली स्थित निवासी से लड़ानिया के लिए रवाना किया है। शहीद मुकुट बिहारी मीणा की प्रतिमा तैयार करने में करीब 4 माह लगे। विशेष प्रक्रिया के तैयार की गई इस प्रतिमा पर कॉपर की कोटिंग की गई है। इससे ये प्रतिमा अगले 250 वर्षों तक सुरक्षित रहेगी। गौरतलब है कि शहीद पैरा कमांडो मुकुट बिहारी मीणा अंतिम सांस तक लड़ते रहे। शहीद मुकुट बिहारी मीणा का जन्म झालावाड़ लड़ानिया गांव में कृषक जगन्नाथ मीणा के घर हुआ था। वर्ष 2011 में महज 18 वर्ष की उम्र में सेना की स्पेशल फोर्स में भर्ती हुए। 11 जुलाई 2018 को जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में ऑपरेशन रक्षक में भाग लेते हुए आतंकियों का सामना करते वे गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक आतंकी को ढेर किया। बाद में इस वीर सपूत ने मां भारती की सेवा करते अंतिम सांस ली। अपने पीछे वे पत्नी अंजना मीणा और महज 3 माह की बेटी आरवी को छोड़कर गए थे। लोकसभा अध्यक्ष के प्रयासों से और तो इसमें मेरे को बहुत गर्व हो रहा है। मेरा सिंदूर आज अमर है तो मैं इसमें बहुत गर्व करती हूँ। अब आप आरुषि को क्या किस तरह का वो करना चाहते हैं? मैं मेरी बेटी को पढ़ा के सैनिक स्कूल में पढ़ाऊंगा और जितना मेरे से हो सकेगा इसको एक दिन आर्मी ऑफिसर बना के और आर्मी में भर्ती करूँगा, तब मेरे सिंदूर को और देश के लिए भेजूंगा मेरी बेटी को। राजसमंद जिले में नगर परिषद और पर्यटन विभाग के तत्वाधान में चल रहा है गणगौर महोत्सव अल सुबह कवि सम्मेलन के साथ संपन्न हो गया। इस कवि सम्मेलन में देश के नामचीन कवियों ने अपना काव्य पाठ कर श्रोता को मंत्रमुग्ध कर दिया। भोर होने तक बड़ी संख्या में श्रोता भी मेला प्रांगण में जुटे रहे। राजसमंद नगर परिषद और पर्यटन विभाग के तत्वाधान में चल रहा गणगौर महोत्सव आज अल सुबह कवि सम्मेलन के साथ संपन्न हो गया। इस कवि सम्मेलन में देश के कई नामचीन कवियों ने अपना काव्य पाठ कर समा बांध दिया। कल सुबह 4:30 बजे तक चले इस कवि सम्मेलन में कवियों को सुनने के लिए आम जनता के साथ राजनीति और प्रशासनिक अधिकारी भी दर्शक दीर्घा में मौजूद रहे। देश में ओजस रस के कवियों में शुमार विनीत चौहान ने कश्मीर फाइल्स फिल्म पर ओजस्वी कविता का पाठ किया, जिससे मौजूद दर्शक देशभक्ति के रस से सरोबर उठे। हास्य व्यंग कवि बुद्धि प्रकाश दाधीच ने बयान जी और बाई जी के बीच शादी में होने वाले संवाद पर करारा व्यंग किया और श्रोताओं को गुदगुदाया। राजस्थान के सबसे अच्छे कवियों में शामिल संपत सरल गांव और शहर के बीच के अंतर को अपनी कविता के माध्यम से पेश किया और वर्तमान राजनीतिक हालात पर करारा व्यंग किया। इंदौर के कवि मुन्ना बेटरी ने अपने व्यंग में माध्यम से औरतों पर हो रहे अत्याचार और उनको इंसाफ दिलाने के लिए कानून में बदलाव की मांग को लेकर करारा व्यंग किया। हास्य रस के सबसे बुजुर्ग कवि पदम अलवेला ने बुजुर्ग दंपति के बीच प्यार के किस्से को कविता के माध्यम से पेश किया तो जमकर दर्शकों ने वाहवाही लूटी। राजसमंद जिला मुख्यालय कांकरोली में बुधवार को महोत्सव की अंतिम गणगौर सवारी निकाली गई। प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सवारी देखने के लिए लोग उत्साहित नजर आए। सवारी राजसमंद नगर परिषद द्वारकाधीश पर्यटन विभाग राजसमंद की ओर से संयुक्त रूप से निकाली गई। 2 साल बाद इस महोत्सव के अंतिम दिन सवारी को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। सवारी की झांकियों में लोगों को खूब लुभाया। वहीं प्रदेश में विभिन्न शहरों से आए कलाकारों ने मनोरंजन करते हुए भक्तिमय प्रस्तुतियां दी। गुलाबी गणगौर की सवारी श्री द्वारकाधीश मंदिर में शाम 7:45 बजे रवाना हुई। सवारी में सबसे आगे हाथी के उसके बाद घोड़े भक्ति के प्रस्तुतियां देते हुए कलाकार चल रहे थे। पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा आमंत्रित प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य कर लोगों का मन मोह लिया। सवारी मार्ग पर दोनों छोर की दुकानों और मकानों पर लोगों की भीड़ लगी रही। महिलाएं गुलाबी परिधान पहने सवारी में शामिल हुई, वहीं पुरुष गुलाबी पगड़ी के और गुलाबी इकलाई पहन सज धज कराए। सजी धजी गणगौर को लिए बेटी थी। द्वारकाधीश मंदिर के बैंड सहित कई बैंड द्वारा भजन और गीतों की प्रस्तुति दी गई। हिंदुस्तान जिंक द्वारा जनहित के कार्यों में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहा है एवं रक्तदान जैसे पुनीत कार्य में हिंदुस्तान जिंक भी भागीदारी अनुकरणीय है।
ये बात जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हिंदुस्तान जिंक द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर के अवसर पर गई। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और इसमें आम जन को आगे बढ़कर भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे किसी के जीवन को बचाया जा सके। मीना ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदुस्तान जिंक अपनी सभी इकाइयों में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है, जो कि पुण्य का काम है। हिंदुस्तान जिंक डिस्पेंसरी में आयोजित रक्तदान शिविर में हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा ने भी अपने साथी कर्मचारियों के साथ रक्तदान किया। कंपनी के संचालक क्षेत्र जौरमाइंस देवारी दरिबा चंदेरिया आगुचा कायड़ एवं पंत नगर में रक्तदान शिविरों में कर्मचारियों एवं सहयोगी कंपनी के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। इनका आभार व्यक्त करता हूँ और हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आज जो रक्तदान शिविर है, जिसमें हमें आमंत्रित करके आपके बीच आने का मौका दिया। जैसा कि विदित है कि हिंदुस्तान जिंक पिछले दो वर्षों से करीब डेढ़ वर्षों से मैं इस मेवाड़ अंचल में उदयपुर और चित्तौड़ में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और हिंदुस्तान जिंक समय समय पर जो जनहित के काम है उसमें सदैव आगे रहता है और हमारे प्रशासन को भी हिंदुस्तान जिंक से काफी हेल्प रहती है जब कभी जनहित के काम होते हैं। चलते चलते नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। सायरा थाने के कांस्टेबल मारपीट का लगा आरोप, ठेके से शराब लाने को लेकर हुआ मामला। युवक को भाजपा का झंडा लगाना पड़ा भारी, असामाजिक तत्वों ने युवक को पीटा, हुई मौत, बीजेपी ने किया प्रदर्शन। दिव्यांग तपती जमीन पर हाथों के बल घसीटते पहुंचे कार्यक्रम स्थल, मूलभूत सुविधाएं नहीं होने पर गर्मा माहौल। आयुर्वेदिक अस्पताल की रसायनशाला में अचानक लग गई आग, एक माले से कूदकर कार्मिकों ने बचाई जान। तो दीजिए ज्यादा अंजलि को और खबरों के लिए देखते रहिए एआर न्यूज। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलीशान आर न्यूज।